गिरी हो गया, डोलेंस हो गया, हायर हो गया, कैनवुड हो गया, तो इसमें लोग आंख बंद करके जो है ना भरोसा कर सकते हैं। आपका रूम ज्यादा जो हीट होता है तो उसके लिए आप बेहतर है कि आप डेटन लगा। एसी आपका 60% में चल सकता है, 75% में चल सकता है, 50% में चल सकता है। मेगा टीटी एक बेसिक कंप्रेसर है जो आपको कूलिंग जो है वो फर्स्ट क्लास जो ट्रिप नहीं करता वो कूलिंग करता रहता है। कंपनी ने हर कस्टमर के लिए सहूलत रखी है, हर बंदा इस वक्त एसी लगा सकता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं और अलगिल, और आप देख रहे हैं हमारी वेब। आज हम मौजूद हैं न्यू अल हरम इलेक्ट्रॉनिक्स में, और यहाँ पर हम जो इनके रिप्रेजेंटेटिव है उनसे ये पूछेंगे कि आपको कैसा एसी लेना चाहिए। गर्मी बहुत शदीद है तो लोग बहुत ज़्यादा एसी खरीद रहे हैं, तो कैसा एसी लेना चाहिए, उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और कितने कमरे में, मतलब कि कौन से साइज़ के कमरे में कौन सा जो है वो एसी लगाना चाहिए, इन्वर्टर लगाना चाहिए, सादा लगाना चाहिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हमको ये साफ देंगे। तो इनसे पूछते हैं, इनका क्या नाम है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। अशरफ साहब, मुझे बताएं एसी खरीदने की खसूसियात क्या है, एक बंदा एसी लेने आए तो उसको क्या देखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो है एसी के अंदर जो है ना वो देखा जाए कि उसकी वारंटी कैसी है, और प्लस उसका नाम ब्रांड देखा जाए कि वो पीछे बैकग्राउंड क्या है और कौन सी कंपनी है। बाद जब ऐसा होता है कोई न्यू कंपनी आती है, कोई नई चीज़ आती है और वो अगर ले जाती है तो बाद वो कंपनी आगे बंद हो जाती है, तो उसकी वारंटी वगैरह खेलने में कोई मसला होता है। जैसे ब्रांडेड नेम हमारी जो पुरानी कंपनी है, गिरी हो गया, डोलेंस हो गया, हायर हो गया, कैनवुड हो गया, और मिसाल के तौर पर बहुत सारी हायर ब्रांड हो गया, पैल ब्रांड हो गया, तो ये कंपनियाँ पुरानी कंपनियाँ हैं, तो इसमें लोग आंख बंद करके जो है ना भरोसा कर सकते हैं और कोई भी ऐसी आइटम ले सकते हैं जिसकी वजह से वो कल कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कंपनी आफ्टर सेल सर्विस उसको वारंटी क्लेम कर सकती है। अच्छा, मुझे बताएं कि कमरे की कैलकुलेशन कैसे होती है कि इस कमरे में इतने टन का एसी लगेगा या ये वाला एसी लगाना चाहिए? देखिए, इसका बहुत आसान सा फार्मूला है, बहुत आसान सा तरीका है। हर कस्टमर यहाँ कन्फ्यूज रहता है कि यार कौन सा एसी किस रूम में किस तरह का लगना चाहिए, तो इसका देखिए ये हमारे पास कैलकुलेटर है, अगर आप इनको नज़र आ रहा है तो ये कैलकुलेटर में देखें आप 12x12 यानी हमारा रूम जो है ना 12x12 है या 10x12 या 12x14 है। कैलकुलेटर में मिसाल के तौर पर 12x12 है, 12x12 को मल्टीप्लाई बाई करें 12 से तो आपकी रूम का जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 144 आप डिवाइड करेंगे तो आपका रूम आएगा 1 टन का। अगर इसी की मिसाल है आपका 12x14 का रूम है, ठीक है, 168 इसको डिवाइड कर दे 144 आपको डिवाइड करना है, आपको 144 आप डिवाइड करेंगे आपका 1.1 कुछ आएगा। जब 1.1 आता है या 1.2 आता है या 1.3 आता है तो इसमें आप अपने रूम को देख लें कि आपका रूम जो है नॉर्मल ठंडा रहता है तो उसमें आप 1 टन लगा लें, और अगर आपका 1.3 आ रहा है या 4 आ रहा है या 5 पे तो आप 1.5 ही लगाएंगे। अगर 3 में आपको लगता है कि आपके रूम के अंदर जो है हीट ज़्यादा है और आपका रूम ज़्यादा जो है हीट होता है तो उसके लिए आप बेहतर है कि आप 1.5 टन लगाएं, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल है कि आप 1.8 आता है यानी 1.5 टन से भी ऊपर आता है तो 2 टन में आप लोग ज़्यादातर इसलिए नहीं जाते कि 2 टन के अंदर बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है, फिर वोल्टेज भी ज़्यादा लेता है, पावर भी ज़्यादा लेता है, उस पर आप 1.5 टन चला सकते हैं, लेकिन कोशिश करें उसको अपने बेड के ऊपर लगा लें। जितनी आप करीब आप अगर इंस्टॉल करेंगे एसी को तो उसमें आपको ये एसी की जो एयर है वो आपको जो है जब भी आप ऑन करेंगे तो आपको एयर ठंडी मिलती जाएगी, चाहे आपका रूम ठंडा करे या ना करे। अच्छा, ये हमारे पीछे कुछ एसी लगे हुए हैं, इस पे जैसे लिखा हुआ 60% 75%, ये तो ये क्या है कि बिजली का बिल 60% कम आएगा 75% कम आएगा? देखिए, इस पे बाज़ दफ़ा जो है ये होता है कि 60% लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है अप टू भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, छोटा सा अप टू भी लिखा हुआ है। एक बात जहन में अक्सर कस्टमर सवाल करते हैं या कितनी परसेंट सेविंग करेगा, 70% करेगा, यानी इन्वर्टर नॉर्मल एसी जो है वो 100% का बिल दे रहा है तो वो नॉर्मल से कितना 50% करेगा, 40% करेगा, 60% करेगा, 75% करेगा। मैं आपको एक बार बता दूं, ये आपके रूम के ऊपर डिपेंड करता है, आपका रूम जितना जो साइज़ है। अब मिसाल आप 1.5 टन का रूम है, आप 1 टन लगा लेंगे तो वो आपका 50%, 60%, 75% सेविंग नहीं करेगा, बल्कि वो आपका सेविंग करेगा 20%, 30%, क्योंकि एसी आपका 60% में चल सकता है, 75% में चल सकता है, 50% में चल सकता है, 40% आपके रूम के, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 60% तक बचा सकता है बिजली। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी इस पे तो लिखी हुई चीज़ें, जैसे ये है एसी, इस पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सही है, तो ये क्या? देखिए, ये एक गिरी कंपनी है और ये भी एक इन्वर्टर है, ठीक है ना, लेकिन इसको पर इन्वर्टर नहीं लिखा हुआ। इन्वर्टर जरूरी नहीं कि इन्वर्टर को लिखा हुआ या ना लिखा हुआ, लेकिन इसके डब्बे के ऊपर और इसके फंक्शंस के ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, इसके अंदर गोल्फिन कंडेंसर है, ये सारी चीज़ें कंपनी लिख के दे रही होती। अच्छा, यहाँ मैंने एक चीज़ देखी थी, जैसे ये वाला एसी है, एक तो ये इस पे लिखा हुआ है 12 साल की वारंटी, ये वारंटी ऑन इन्वर्टर कंप्रेसर, और दूसरा लिखा हुआ है मेगा T3 इन्वर्टर, DC इन्वर्टर सुना था, इन्वर्टर सुना था, मेगा T3 इन्वर्टर, ये नई चीज़ आई है, ये क्या है? देखिए, ये हर कंपनी का एक मोनो होता है, जैसे DC एक कंपनी का मोनो है, जैसे ये हर कंपनी वाले इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बाज़ कंपनियाँ इन्वर्टर इस्तेमाल करती है। अब डॉलेंस वालों ने ये है ना मेगा के इस्तेमाल, एक मेगा T3 एक बेसिक कंप्रेसर है, वो कंप्रेसर वो है कि याद है आज से 4 साल पहले अगर हम चले आए तो एक हीट स्ट्रोक आया था जिसमें कोई भी एसी काम नहीं कर रहा था, सारे एसी जो है ना वो कमरे एसी काम नहीं कर रहे, कूलिंग नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे,
नहीं कंप्रेसर की एक वो है, जैसे ही अगर 45 या 50 हमारे यहाँ गर्मी हो जाती है तो उसके बाद हमारा कंप्रेसर काम नहीं करता। मेगा टी 3 एक ऐसी वो चीज़ है जो आपके यहाँ 50 डिग्री या 60 डिग्री में भी अगर आपका मौसम चले जाएगा तो उसके बाद भी वो आपका कंप्रेसर ट्रिप नहीं करेगा, कंप्रेसर आपकी कूलिंग देगा और आपके रूम को ठंडा करेगा। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं कि आप हर कस्टमर जो ना मेगा टी 3 लगा रहे हो। देखिए, कंपनी ने हर कस्टमर के लिए सहूलत रखी है, यानी हर कस्टमर का बजट रखा। जो हाई फाई कस्टमर है उनके लिए हाई फाई एसी है, जो नॉर्मल कस्टमर है उनके लिए नॉर्मल एसी है। हर बंदा इस वक्त एसी लगा सकता है। मेरा भी यही ख्याल है कि अब जो है इस वक्त हर कोई जो है एसी अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि इतनी सहूलतें आ गई हैं, इतने कम जो हैं वो प्राइस भी इतने ज़्यादा नहीं है। जितने कम प्राइस होंगे उतनी हमारी सेल ज़्यादा होती है, ज़्यादा सेल होती है, उतने लोग लगाते हैं, उतने लोगों को सहूलत मिलती है। जितनी लोगों को सहूलत मिलती है उससे हमारा फ़ायदा होता है, हमें कंपनी उसका जो है वो सेल होती है उससे कंपनी हमें फ़ायदा देती है।